हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हां, आज हम लोग एक स्पोर्ट्स का ही टूर्नामेंट हुआ था रिसेंटली अप्रैल में ही, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। अब आप सोचते होंगे जो मैं स्पोर्ट्स का बहुत सारा वीडियो क्यों डाल रहा हूं? आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है जो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कहां पर क्या क्या है, इससे आपको आइडिया होगा जो कब क्या पढ़ना है। और स्पोर्ट्स वाला जो प्लेलिस्ट है तो भरा पड़ा है। इसका दो तीन कारण मैं बता दूं। पहला बात तो मैं बचपन से स्पोर्ट्स लवर हूँ, जितना भी किस्म के स्पोर्ट्स होते हैं सब मैं फॉलो करता हूँ। खेलता नहीं वो अलग बात है, बट फॉलो सबको करता हूँ। दूसरी बात क्या है, आजकल एग्जाम में बहुत सारा सवाल आ रहा है स्पोर्ट्स से, ठीक है। तीसरा बात क्या है, इंडिया में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है, इसीलिए सब कुछ को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ओलंपिक वगैरह में भी हमारा प्यारा हिंदुस्तान अच्छा कमाल कर सके। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना भी जो सब्सक्राइबर्स है महिला समाज का यानी कि सिस्टर्स है, उन लोग को ट्रेडिशनली देखा जाता है, ये लोग स्पोर्ट्स में कम रुचि रखती है और स्पोर्ट्स का नॉलेज कम रहता है लोग के पास। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स का वीडियो डालता हूँ ताकि कौन किससे रिलेटेड है, कब किसको क्या मिला अवार्ड, कौन क्या खेल जीता, ये सब हमेशा आ रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा CGL से लेकर CHSL MTS हर एग्जाम में आए हैं, आने वाला भी हर एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का। ये कब हुआ? 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हुआ, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, ये हमेशा कन्फ्यूज करता है। वो कौन सा वीडियो में ओबीश्योरी में मिल जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव जो कि USSR के आखिरी प्रेसिडेंट थे, उनके ही वीडियो में इस सबका भी डिटेल मिल जाएगा। खैर इधर आते हैं, 36 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हमारा प्यारा भारत जो था ये 7th रैंक करता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन आता है? फर्स्ट में कजाकिस्तान। अक्सर देखा जाता है जहां खेल होता है वहां पर अच्छा रिजल्ट आता है, थोड़ा कॉमेडी टान के खिलाता है। सेकंड में जापान और थर्ड में ईरान, ठीक है। और हिंदुस्तान को कितना सारा मेडल मिला? टोटल 14 मेडल मिला, 1, 3, 10। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा मेरा वीडियो देख देख के, 1 यानी कि गोल्ड, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, ओके। अब मेंस और वुमेन्स कैटेगरी का अलग से देख लेते हैं, कि एग्जामिनर बोले आजकल माता खराब होगी कुछ भी दे सकते हैं। तो मेंस में 1, 1, 5 यानी कि 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी कि 1 ही गोल्ड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अच्छा, वुमेन्स में कितना है? 0, 2, 5 यानी कि कोई गोल्ड नहीं है, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है, 7 हो गया 7, 7, 14 हिसाब बराबर, जेंडर इक्वालिटी भी हो गया। अब देख लेते गोल्ड किसने जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है आने वाला, ओके। अमन शेरावत 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। और सिल्वर 2 महिला जीती, कौन कौन थी? अंतिम पंगल 53 kg फ्री स्टाइल में और निशा दहिया 68 kg फ्री स्टाइल में। और एक सिल्वर भाई ने भी जीता था, उनका नाम है रूपिन गहलावत, ठीक है। और ये इन्होंने 55 kg फ्री स्टाइल, 55 kg ग्रेको रोमन में जीता, माने एक ही दो किस्म का रेसलिंग होता है, एक फ्री स्टाइल होता है और एक ग्रेको रोमन होता है, तो इन्होंने ग्रेको रोमन में जीता, ओके। ये जो छोटा छोटा टूर्नामेंट आजकल हो रहा है ना, इससे भी बहुत सारा सवाल आ रहा है। पहले क्या था, सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, काम खत्म, बट अब छोटा छोटा इवेंट्स को भी आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।